एंटनी होने वाले इनका नाम। थालापति विजय की लियो मूवी से संजय दत्त का एक ऑफिशियल ग्लिम्स आ चुका है गाइस, और मुझे को पहले ही पता चल गया था कि संजय दत्त इस मूवी में विलन प्ले करने वाले, बट वो ना रेडी वाला सॉन्ग आया था ना थालापति विजय का ना रेडी, उसमें उनका प्रेजेंस देख के ऑफिशियल भी हो चुका था। लेट्स टेक टू इट इन 3 2 1 गो। Antony होने वाले इनका नाम। क्या बात, म्यूजिक यार अनिरुद्ध का म्यूजिक है ना यार, कैरेक्टर को अलग ही जान दे देता है, एक अलग ही डेप्थ दे देता है यार, मतलब इज इनसेन मैन। ग्लिम्स एकदम सिंपल था लेकिन इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने वाला एलिमेंट इसके विजुअल्स यार, आई मीन लुक एट संजय दत्त का फेस यार, उनके जो फेस में जो क्या बोलते यार ये व्रिंकल्स है, छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स है, डिटेल्स यार एकदम परफेक्टली दिख रहा है यार। मतलब देखो ऑब्वियस है यार कि इसको हाई बजट वाले कैमरा से तो ज़रूर शूट किया, लेकिन एट द सेम टाइम उतना डिटेल्स आता नहीं है, तो उसको जब पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग के लिए लेके जाते हैं ना, तभी जो भी ऐसे फेस वाले शॉट्स रहते हैं ना उसमें जो नॉइस रिडक्शन रहता है उसको बढ़ाया जाता है, दस जो भी आपके फेस में जो पोर्स वगैरह रहता है, अभी ये कैमरा में तो दिखेगा ही नहीं ऑब्वियस है, तो मेरा मोबाइल का कैमरा है, बट एट द सेम टाइम जब आपके जो पोर्स वगैरह दिखते हैं रियल लाइफ में और जो भी पिंपल्स वगैरह रहते हैं वो सब मर्च आउट हो जाता है स्किन के साथ में, दस इट मेक्स अ नॉर्मल सीन लुक वेरी पॉश यार, एकदम रिच लगता है, एकदम अलग ही फील लगता है। लेकिन आ गाइस एट द सेम टाइम ना इसका जो एडिटर है ना उसने एकदम परफेक्टली शार्पनेस के लेवल को मैनेज किया यार, वरना ये एनिमेटेड ज़्यादा लगता, सो बिग थम्स अप फॉर एनिमेटर, मतलब जो भी एडिटर है। एंड संजय दत्त इज ऑलवेज यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेप्थ लग रहा है, उनके आंखों में डेप्थ है यार, तो ऑब्वियसली कैरेक्टर में तो हो गए सर, मजा तो आने वाला है थालापति विजय और संजय दत्त के बीच का फेस ऑफ देखने के लिए। वैसे लोकी वर्स भी बोला जा रहा है इसको, तो अगर कही थी या फिर विक्रम का कुछ भी कनेक्शन निकल गया ना भाई, मतलब फूफ थिएटर फूफ, मजा आ जाएगा। सो एनीवेज गाइस दैट्स माय रिएक्शन, लेकिन गाइस इसका जो टेक्निकल डिटेल्स है ना उसके बारे में मेरे को और भी ज़्यादा बात करना है यार, इसके लिए मैं इसका एक परफेक्ट एक अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ इसके टेक्निकल डिटेल्स के बारे में आपके साथ में शेयर करूंगा, तो यार वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और गाइस मैं मूवी के रिलेटेड जो भी अपडेट्स मेरे को मिलता है ना वो मैं शॉर्ट्स में डालता रहता हूँ, वो भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूं आप लोग सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।